ग्यारस वो ओलिंजा में बुजुर्ग महिला से दुराचार व हत्या करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। महज 24 घंटे के भीतर विदिशा पुलिस ने हत्या और रेप के मामले का किया खुलासा। गांव का ही 26 वर्षीय युवक निकला हैवान गिरफ्तार। जिला मुख्यालय पर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। जी हां, ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ओलिंजा में एक दिन पहले बुजुर्ग महिला के साथ हुए जघन्य हत्याकांड और बलात्कार की गुत्थी पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा ली है। पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी विनायक वर्मा ने बताया कि गांव का ही 26 वर्षीय सुरेंद्र चड़ार मुख्य आरोपी है। उसी ने घटना वाली रात में शराब पीने के बाद महिला के साथ जोर जबरदस्ती की थी। चिल्लाने के बाद उसके मुंह में मिट्टी भर दी, जिससे सांस रुकने पर उसकी मौत हो गई। उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद मौत की पुष्टि करने के लिए कुप्तांग में लाठी डाल दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जंगल में छिप गया, जिसे ग्यारसपुर पुलिस और कोतवाली विदिशा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए धर दबोचा। आरोपी पर इसके पहले दो और अपराध महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के दर्ज हो चुके हैं। कुछ महीने पहले ही वह जेल से छूटकर आया था। शुभम मिश्रा की एक रिपोर्ट। दिनांक 19 नवंबर को थाना ग्यारसपुर के ओलिंजा गांव में एक 70 साल की महिला का शव प्राप्त हुआ था और प्रथम दृष्टया ये अपीयर हो रहा था कि मर्डर का ये केस है और साथ ही साथ शरीर को क्षति पहुंचाई गई थी। तो तत्काल इस पे FIR पंजीबद्ध करते हुए थाना ग्यारसपुर की टीम थाना कोतवाली दिशा के सपोर्ट के साथ अपराधी पकड़ में जुड़ गई और हमें बहुत शीघ्र ही दोनों टीमों के प्रयासों से लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर हमने इसमें एक आरोपी हिरासत में लिया है। आरोपी का नाम सुरेंद्र चड़ार है, वो वहीं ओलिंजा गांव में रहने वाला है। मृतका से पूर्व में वो परिचित था, उसने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया, उसके बाद जिससे उसकी आवाज़ निकली उस मुँह में मिट्टी भर के उसकी हत्या की और उसके बाद शरीर को क्षति पहुँचाई। इस तरह से गंभीर अपराध को उसने घटित किया और SHO ग्यारसपुर और TI कोतवाली के प्रयासों से अब वो आरोपी हिरासत में है और सबूत जुटाए जा रहे हैं और बहुत शीघ्र ही केस न्यायालय को पेश किया जाएगा और सख्त से सख्त इसे सजा हो ऐसा प्रयास पुलिस कर रही है।